तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनुराज फोटोग्राफी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूं, बढ़िया हूं, एकदम मस्त हूं, चंगा हूं। तो आज का टॉपिक है ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड में कैसे चेंज करें, मतलब जो अपना फोटो है उसे ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड में कैसे कलर ग्रेडिंग करेंगे। और इसमें जो फेस स्मूथ है वो वन क्लिक फिल्टर में ही हो जाएगा, एक क्लिक में ही हो जाएगा और कम ही टाइम में आप सभी को ये देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये है मेरा फ़ोटो, इसे मैं स्नैपशीट में ओपन करूँगा और ये ओपन हो गया है। अब सेलेक्टिव टूल के मदद से मैं इसको थोड़ा सा गले में ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, जिससे थोड़ा सा फ़ोटो का लुक थोड़ा सा ठीक लगने लगे। और ये हो गया है और मैं थोड़ा सा ये माथे पे थोड़ा सा ब्राइटनेस सेट करूँगा और ये भी लगभग हो चुका है। तो इसी तरीके से आप एक एक टूल को ध्यान देके देखिए दोस्तों, ताकि आपको एडिटिंग करने में पूरा आसानी हो सके और आप जल्दी से समझ सकें। इसे मैं सेव कर रहा हूँ, ये सेव हो चुका है और इसमें फेस अप मैं ओपन करूँगा और ये फेस अप मैं ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जाएंगे हम स्किन पे, देखिए नीचे स्किन लिखा है, ये यहाँ जाएंगे। उसके बाद स्मूथ में क्लिक करेंगे, स्मूथ क्लिक करने के बाद वॉच ऐड करेंगे, ये 30 सेकंड का होता है। तो चलिए देखते हैं ऐड, ये टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं साइड में। और जैसे ही सेकंड पूरा होता है ये हो चुका है और यहाँ 5 में क्लिक रहने दें और यहाँ पे सेव करें। आप देख सकते हैं फोटो का, और यहाँ से हम स्नैपशीट में ओपन करेंगे। यह हो चुका है स्नैपशीट में ओपन और यहाँ हम डबल एक्सपोजर में क्लिक करेंगे और यहाँ से गैलरी खुलेगा और ये रहा हमारा फ़ोटो, इसे कर लेंगे ऐड और कैपेसिटी है उसको फुल्ली 100 कर देंगे। यह हो चुका है, इसे करते हैं डन। अब वी एडिट में जाएंगे और ये डबल एक्सपोजर में क्लिक करेंगे ब्रश के निशान पे, और इसका जो वाटर मार्क है उसको हम लोग रिमूव करेंगे जूम करके। तो करते हैं रिमूव, ये रिमूव हो चुका है लगभग, इसे करते हैं डन। और थोड़ा सा हाथ में थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है, इसे थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, ब्राइटनेस थोड़ा सा और देंगे। तो सेलेक्टिव में क्लिक करते हैं और ये हाथ में थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक टाइप का दिख रहा है इसलिए हम ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे अपने फ़ोटो के हिसाब से, आप भी कर लेना आपके फ़ोटो के हिसाब से। और ये डन हो चुका है, इसे हम लाइट रूम में लेंगे। ये रहा लाइट रूम, ये हमारा लाइट रूम में खुल गया है। अब ये यहाँ पे सब टूल को बारीकी से देखना ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो देखते रहिए पूरा एंड तक ताकि आपको समझ में आसानी हो। और यहाँ हम लाइट में जाएंगे, थोड़ा सा इसका एक्सपोजर 11 के आसपास रखेंगे और इसका जो वाइट है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, शैडो है उसको भी बढ़ाएंगे, ये ब्लैक उसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि फ़ोटो का लुक सही लग सके। अब यहाँ कलर मिक्सर में जाएंगे, इसका थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ाएंगे हम लोग, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब कलर मिक्सिंग में जाएंगे, कलर मिक्सर का ये बटन दिख रहा है दोस्तों, हो चुका डन कलर मिक्सर में। इसका राइज का थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, इसका डिक्रीज करेंगे और ये ऑरेंज का भी थोड़ा सा सैचुरेशन डिक्रीज करेंगे और लुमिनेंस को इंक्रीज करेंगे और ये येलो को पूरा
कम कर देंगे ताकि ब्लैक टोन आ सके। तो आप भी इसी तरीके से कीजिए, एक एक टूल को बारीकी से देखिए ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट जानकारी हो सके और आप भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। ये हो चुका है डन। अब हम मास्किंग करेंगे। ये मास्किंग में मैं क्लिक किया, यहाँ बस के निशान में मैं क्लिक किया और एक एक टूल को आप बारीकी से देखते रहिए ताकि आपको मास्किंग का पूरा नॉलेज हो सके, ज्ञान हो सके। तो आप मैं जो जो टूल यूज़ कर रहा हूँ आप भी देखिए और आप भी यूज कीजिएगा ताकि आपका फ़ोटो जो लुक है वो ऑसम लग सके, बढ़िया लग सके। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। सब कुछ हो चुका है डन। अब हम इसे सेव करेंगे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए और आपका सपोर्ट प्यार सब बनाए रखिए।
ताकि हम लोग मोटिव होकर और अच्छा अच्छा वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं और कोई वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।